नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। महाशिवरात्रि पर 151 भव्य झांकियों, अनगिनत भगवा ध्वजों के साथ हिंदू जागरण मंच ने निकाली विमल द्विवेदी की अगुवाई में भोलेनाथ की बारात। गत वर्षों के भांति महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर विशाल भोले बाबा की बारात नगर में निकली, जिसमें हिंदू जागरण मंच ने विमल द्विवेदी की अगुवाई में 151 भव्य झांकियों व हजारों भगवा ध्वजों के साथ पूरी धूमधाम से भोले की बारात निकाली। बारात का शुभारंभ सांसद साक्षी महाराज, जिला प्रचारक जितेंद्र, जिला अध्यक्ष अवधेश कटियार, सदर विधायक पंकज गुप्ता द्वारा भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर कराया। इस अवसर पर पूरा नगर शिवमय दिखा व चारों तरफ गूंजते गगनभेदी हर हर महादेव के जयघोष माहौल में स्वतः स्फूर्ति पैदा कर रहे थे। मंच द्वारा बाबा भोलेनाथ की होल्डिंग व भगवा ध्वजों से नगर को सजाया। हिंदू जागरण मंच के हजारों कार्यकर्ता पिछले कई हफ्तों से नगर को भगवामय करने में दिन रात जुटे थे, जिससे शहर में हर तरफ भगवा ध्वज ही दिख रहे थे। इस अवसर पर विमल द्विवेदी ने कहा कि उनकी भोलेनाथ से प्रार्थना है, सभी सनातनियों को अच्छे स्वास्थ्य समृद्धि का आशीष भोलेनाथ महाशिवरात्रि पर प्रदान करे। इससे पूर्व विमल द्विवेदी सभी अतिथियों सहित प्रशासनिक अधिकारियों को अंग वस्त्र व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर मंच के जिला संयोजक अजय त्रिवेदी, वीरांगना अध्यक्ष उमा शुक्ला, विकास सिंगर सिंह, मनीष अवस्थी, अभिषेक तिवारी, विष्णु गुप्ता, आलोक शुक्ला, मनीष पांडे, सर्वेश आलोक कुशवाहा, दुर्गेश दीक्षित, राजू मिश्रा, ममता द्विवेदी, नीलम सिंह आदि भोले भक्त मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, उन्नाव। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।